तो भाई फायरबोल्ट ने फिर से रीलॉन्च किया है अपनी इस ब्लिजार्ड को। ये उनकी लूक्स एडिशन की सेकंड स्मार्ट वॉच थी, पहली थी क्वांटम। कुछ दिन पहले उन्होंने उसको रीलॉन्च किया नए कलर्स के साथ, फिर अब इन्होंने ब्लिजार्ड को रीलॉन्च किया है नए कलर्स के साथ। हेलो गाइस, मैं हूं केफ नॉइस टेक्स है और आज हम इस वीडियो में इन कलर्स के बारे में जानने वाले एंड साथ ही साथ देखने वाले की क्या ये वॉच आपके लिए सही है या नहीं है। तीन चार गोल्ड ऑप्शन लॉन्च किए फायरबोल्ट में, जिनमें से हमारे पास ये दो है। पहली है ये ब्लैक रोज गोल्ड एंड दूसरी है ये रोज गोल्ड। वॉचेस दिखने में भाई काफी ज्यादा क्लास लगती है, मतलब थोड़ा सा एक महंगा फील तो हमेशा से देती थी ये ब्लिजार्ड, पर इस बार भी काफी ज्यादा सही दिख रही है वॉचेस। ये ब्लैक रोज गोल्ड स्पेशली तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। अगर आपको थोड़ा सा वो राडो वाला रोलेक्स वाला लुक चाहिए, देन आप ये पूरी रोज गोल्ड वाली भी देख सकते हो। एक मैंने फुल गोल्ड कलर की भी वॉच देखी उनकी वेबसाइट के ऊपर, जो अच्छी दिख रही थी, बट ये रोज गोल्ड भाई क्लास दिखती है। एंड साथ ही साथ ये ब्लैक रोज गोल्ड के जैसी उन्होंने एक ब्लैक गोल्ड कलर भी लॉन्च किया, जहां पे रोज गोल्ड की जगह आपको गोल्ड कलर मिलेगा, पर रोज गोल्ड एडिशन मुझे थोड़े से ज्यादा सही लग रहे हैं एंड क्लासी दिख रही है वॉच। वॉच का लुक आप देखो, इन हैंड फील आप देखोगे, काफी ज्यादा सही दिख के आती है। पूरी बॉडी स्टेनलेस स्टील है, ऊपर का जो टैकीमीटर वाला हिस्सा ये आपको सिरामिक देखने मिलेगा एंड वॉच की बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग लगती है। आपको सिर्फ स्ट्रैप्स छोटे करने अपने हिसाब से, वॉच के बॉक्स के अंदर आपको एक टूल भी दिया है स्ट्रैप्स को छोटा करने के लिए, तो आपका काम इजिली हो जाएगा। बाकी का डिजाइन पहले की तरह एकदम ही सेम है। बीच में आपको एक डिजिटल क्राउन देखने मिल जाता है, ऊपर नीचे के बटन से डिस्प्ले वेक एंड स्लीप हो जाता है। एक मेटालिक बॉडी जो काफी ज्यादा क्लास दिखती है, IP67 की रेटिंग है। वॉच इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड डिजाइन काफी ज्यादा अच्छी लगी है मुझे एंड सही में इनको देखने के बाद ऐसे नहीं लग रहा ये कोई 4000 रुपए की वॉच है, ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ी सी महंगी वॉच आप यूज कर रहे हो। अगर इसके डिस्प्ले की भी बात करूं तो भाई एक अच्छा 1.3 इंच का 60Hz स्मूथनेस वाला डिस्प्ले दिया, जो काफी ज्यादा स्मूथ है। एक पूरा राउंड है, 240x240 का रेजोल्यूशन है। डिस्प्ले क्वालिटी एकदम ओवर द टॉप नहीं है, बट काफी डिसेंट लगती है, बिल्कुल भी खराब नहीं लगती है। साथ ही साथ इसके UI की या बाकी सारे फीचर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो सब कुछ आपको मेरे फायरबोल्ट ब्लिजार्ड के पहले वाले रिव्यू में देखने मिल जाएगा। मैं ऊपर कार्ड में भी लिंक दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, सब कुछ वहाँ पे आप जाके देख सकते हो इस वॉच के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो। मेरे हिसाब से एक काफी ज्यादा प्रीमियम लुकिंग वॉच है ये, अंडर 4000 ये नए कलर्स जो लॉन्च हुए, एंड आपको बिल्कुल इसको चेकआउट करना चाहिए अगर आप एक मेटल डायल मेटल स्ट्रैप वाली वॉच लेने का सोच रहे हो। इसको बाय करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।